यदि वाई क्रोमोसोम जाकर एक्स अंडे से मिलता है तो एक्स वाई बनेगा और एक्स वाई जो होता है दैट इज अ बॉय। हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे एक पेशेंट ने सवाल पूछा था कि मुझे लड़का होगा या लड़की होगी। अब गर्भ के अंदर कौन झांक के देख सकता है कि लड़का होगा या लड़की, बट इंडिया में तो हर इंसान को लड़का चाहिए। क्या करें, हम लड़कियां कैसे आएंगे फिर इस दुनिया में। लेकिन अगर लड़का है या लड़की, उसके लिए लेडी जिम्मेदार बिल्कुल नहीं है, क्योंकि लड़का या लड़की का होना डिसाइड करता है स्पर्म के ऊपर, यानी कि जो नीचे से स्पर्म आ रहा है दौड़ा दौड़ा, वो डिसाइड करता है कि लड़का होगा या लड़की होगी। यानी जब भी अंडा बनता है तो उसके जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो एक्स एक्स ही होता है, उसमें कोई डेविएशन नहीं होता, कोई चेंजेस नहीं होता है। बट डेफिनेटली जो स्पर्म बनते हैं, यानी कि जो आदमी के पानी में जो शुक्राणु होते हैं, वो दो प्रकार के होते हैं, एक्स हो सकता है या वाई हो सकता है। अगर एक्स क्रोमोसोम एक्स अंडे के पास पहुंचता है, यानी अब जो बेबी बनेगा वो डबल एक्स बनेगा, एक्स एक्स, दैट मींस कि वो लड़की होगी। लेकिन यदि वाई क्रोमोसोम जाकर एक्स अंडे से मिलता है तो एक्स वाई बनेगा और एक्स वाई जो होता है दैट इज अ बॉय। यानी कि एक्स होना या वाई होना दैट इज अ टू टाइप्स ऑफ द स्पर्म्स, यानी कि शुक्राणु के दो प्रकार। अब उनमें से कौन सा शुक्राणु कौन से अंडे के पास पहुंचता है वो डिसाइड करता है कि आपके पास बेबी कौन सा आने वाला है। बट सच कहूं, लड़का हो या लड़की, बात तो एक ही है, नाम तो दोनों ही रोशन करेंगे। तो इस पे नहीं जाइए कि लड़का होगा या लड़की, इस पे जाइए कि हेल्दी बेबी होगा या नहीं। और हेल्दी बेबी कैसे होगा, उसके लिए तो आप हमारे बाकी बहुत सारे YouTube पे वीडियोस बनाए हुए हैं, जो जाके आप देख सकते हैं। तो जो नॉर्मल प्रोसीजर होता है, जब भी एम्ब्रियो बनता है तो उसमें सबसे पहला जो प्रोसीजर स्टार्ट होता है कि अंडे दानी से अंडा बनता है, ओव्यूलेशन होता है, और ओव्यूलेशन जब भी बनेगा तो एग रिलीज होकर ट्यूब के अंदर पहुंचता है। और जब हस्बैंड और वाइफ मिलते हैं तो वजाइना में सीमन डिपोजिशन होता है, और वहां से सीमन के अंदर काफी सारे स्पर्म्स होते हैं, उनमें से कुछ हेल्दी स्पर्म्स अपनी टेल के सहारे, पूंछ के सहारे चलकर बच्चेदानी में ऊपर पहुंचते हैं, और ऊपर पहुंचकर वो भी ट्यूब में पहुंचता है। तब जो भी शुक्राणु या स्पर्म या एक्स हो चाहे वाई, जो ट्यूब के अंदर पहुंचता है, वहां पे अंडे और शुक्राणु का जो मीटिंग होता है, उसकी वजह से फिर एक एम्ब्रायो का डेवलपमेंट होता है, और जो बच्चा बना वो 3 से 4 दिन ट्यूब के अंदर रहता है, और फिर वहां से वो चलकर यूट्रस के अंदर पहुंचता है। यूट्रस में जब जाके इम्प्लांटेशन हो जाता है तो तब जाकर सक्सेसफुल प्रेगनेंसी हो पाती है। तो इस तरीके से शुक्राणु के पहुंचने से और शुक्राणु के टाइप से डिसीजन हम कर पाते हैं कि लड़का होगा या लड़की होगी। और आगे हेल्दी प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करने के लिए आपको गायनेकोलॉजिस्ट की सहायता की जरूरत होती है। तो जैसे ही आपको पता चलता है कि आपकी प्रेगनेंसी है, तो डेफिनेटली आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से जाकर मिल लीजिए, वो आगे आपको जरूर गाइड करेगी। इसी तरीके के और वीडियोस की जानकारी लेने के लिए आपको हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये काम तुरंत कर लीजिए, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आगे के वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहे। आपसे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार।